हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो पहले हमने पढ़ा कि जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ बन रहे थे, अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल सेपरेट सेपरेट, यानी कि मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनेगा, हम उसी की स्टडी करेंगे बस। ठीक है, इसमें है फर्स्ट वन इज रोजनमुंड रिडक्शन या रिएक्शन, दोनों से नाम जाना जाता है, रिडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन ही होता है। तो रोजनमुंड रिडक्शन, दिस इज द नेम रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन यूजिंग पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आपने लिंडार्स कैटलिस्ट का नाम सुना होगा। तो जो पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट यानी इसको पॉइजन कर देते हैं, सरफेस एरिया को हम क्या करते हैं, रब बना देते, पॉइजन कर देते हैं। इससे क्या होगा, पार्शियली रिडक्शन होता है। और जो RCOCl है और ये है H2, तो ये कैसे टूटेगा, देखो एक H यहाँ लग जाता है, एक H इधर, तो ये HCl बाहर हो जाएगा और ये CLH यहाँ लग जाता है, तो बन जाएगा RCOH यानी एल्डिहाइड। तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और किससे, एसाइल क्लोराइड से, इसे कहेंगे एसाइल क्लोराइड। RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल, तो एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का हम रिडक्शन करेंगे यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसे हम पॉइजन करते हैं BSO4 एंड सल्फर वगैरह से। ठीक है, बॉइलिंग जैलिन भी यूज़ किया जाता है कई बार, तो एल्डिहाइड फॉर्म्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3C(OCl), अगर हमने इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो क्या बनेगा, देखो Cl हटेगा बस, और वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा HCl, बाकी और कोई चेंज नहीं होने का, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो ये है पार्शियली रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड या एसाइल क्लोराइड, एक ही बात है, एसाइल या एसिड एक ही बात है, टू फॉर्म एल्डिहाइड। यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, लिंडार्स कैटलिस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं, उसे पॉइजन करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हैं, देखो बेंजीनिंग बना दिया हमने, इसमें COCl है प्लस H2 यानी रिडक्शन करेंगे पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा और एक H यहाँ पे लग जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इसमें हम कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते। रीज़न क्या है कि जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है, ये HCOCl, इसी से बना सकते थे क्योंकि यहाँ से H हटता और यहाँ पे Cl हटता और यहाँ पे H आ जाता, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, ये जनरली एग्जिस्ट कम करता है, तो अगर ये मिलेगा नहीं हमें तो इससे ये नहीं बन सकता, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये फॉर्म्ड होता नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन बनती नहीं है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते इस रिएक्शन से, ये ध्यान रखना है। कई बार चार ऑप्शन देगा कि रोजनमुंड रिडक्शन से हम कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो उसमें ध्यान रखना, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को हम नहीं बना सकते। रीज़न क्या है कि जो ये फॉर्माइल क्लोराइड होता है, ये HCOCl, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये मिलेगा नहीं हमें, और मिलेगा नहीं तो क्या होगा, रिएक्शन होगी नहीं, या फिर अनस्टेबल होगा, जल्दी टूट जाएगा। इसका IUPAC नेम होता है मैथेन ऑयल, OYL पीछे लग जाता है, ऑयल क्लोराइड, ध्यान रखना, जब भी एसाइल होगा तो उसके पीछे लगता है IUPAC में OYL, मैथेन ऑयल क्लोराइड। तो ये लिखा भी है कि फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, रीज़न क्या है, जो HCOCl होता है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। तो नेम रिएक्शन है, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ऑर्गेनिक में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। जैसे मुझे CHO लिखा है, COCl लिखा है, अब मुझे केवल इस Cl को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊँगा, बाकी तो कुछ भी ग्रुप लगा दो यहाँ पे, आप यहाँ पे मैंने लगा दिया C2H5, अब मुझे Cl को हटाना है और यहाँ पे H लाना है, तो मैं रोजनमुंड रिडक्शन को यूज़ करूँगा, हाइड्रोजन ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में, सल्फर भी यूज़ करते पॉइजन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो HCl,
सॉरी एच और एच, हाइड्रोजन का मतलब एच एच है, एच सी एल यहाँ से बाहर निकलेगा और ये एच यहाँ लग जाएगा, बाकी इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये होगा सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी एल्डिहाइड बन गया। तो ध्यान रखना कौन सा रिएजेंट किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, यही मेन है बस। नेक्स्ट वन है नेम रिएक्शन इज स्टेफन्स रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन। इस ये स्टेफन करता क्या, देखो जो मैंने ये लैंग्वेज में लिखा है आप इसको क्या कर सकते हो, खुद बना सकते हो। कैसे, देखो ये नाइट्राइल के लिए यूज़ होता है जनरली, नाइट्राइल या साइनाइड के लिए। आईयूपीएसी नेम इसका नाइट्राइल और वैसे हम कॉमन नेम कहते हैं साइनाइड। तो हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है रिडक्शन, इसीलिए ये साइंटिस्ट ने दिया था स्टेफन रिडक्शन। तो देखो इस साइनाइड का या नाइट्राइल का हम रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, इसकी प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, और फॉलोड बाय, यानी कि एक स्टेप होने के बाद इसे कहेंगे फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, रिएक्शन से ही आप स्टेटमेंट खुद बना सकते हो, जो आपको दिख रहा है वही आपने लिखना है। बाई प्रोडक्ट को हम ज़्यादा काउंट नहीं करते यहाँ पे। तो क्या होगा, जो भी नाइट्राइल होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, एंड ये जो बनता है आपका ये बनता है इमाइन, आई एम आई एन ई इमाइन, एन एच होता है एमाइन, और फॉलोड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस का मतलब वो एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड करना, उसे कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये होती कैसी रिएक्शन है एक बार हम देखते हैं। पहले आपको क्या करता हूँ कि इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे हुआ कैसे। देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिया मैंने लगा दिया CH3 C2H5 कुछ भी लगा दो, बेंजीन प्लस हमने हाइड्रोजन ऐड करना, इनका काम क्या, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना SnCl2 और HCl का, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, सीधी सी बात है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH। इतना ही लिख दो, मैंने HCl लिखा हुआ, उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है उसका, क्योंकि आपकी स्टेट बोर्ड में लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसे हटा सकते हो आप लोग, ये किसी काम का नहीं है फिलहाल, ठीक। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये आपने इसका हाइड्रोलाइसिस करना, हाइड्रोलाइसिस मीन्स H+ यानी एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड करना। वाटर को ऐसे करो, देखो O और इसे लिख दो H2O। अब क्या होगा, यहाँ से इसको निकालो बाहर और ये ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा बस, तो ये बन जाएगा CH3CHO बस, और कुछ नहीं करना आपने, नाइट्रोजन को हटा दो वहाँ ऑक्सीजन लगा दो बस, ख़त्म कहानी। तो इसका शॉर्टकट ये है स्टेफन रिडक्शन का, कोई भी ग्रुप हो CNE तो यूज़ करना हमने, इसका तो हमें कोई लॉजिक ही नहीं है, केवल इसी को, चाहे मैंने यहाँ बदलता चला जाऊँ, यहाँ मैंने कुछ भी लिखा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो मैंने यहाँ पे C6 यानी बेंजीन लिंक के साथ बना दिया, कई बार ऐसे दे देंगे आपको, बोलेंगे इसका बनाओ, CN दे देंगे मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होगा SnCl2 HCl और यहाँ पर लिखा होगा H3O+, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको हटाओ यहाँ से और ये हाइड्रोजन लगेगा, एक ऑक्सीजन लगेगा बस, ख़त्म कहानी। इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन लगा दो बस, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये और ये CHO। चलो और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको कैसे होगा। तो जहाँ पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इस C ट्रिपल बॉन्ड N के सामने क्या लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या बनेगा पहले स्टेप में, CH डबल बॉन्ड NH और ये रिंग बन गई। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो O इसके साथ चले जाएगा, H2 इसके साथ चले जाएगा, तो क्या बनेगा, NH3 अलग हो जाएगा और CHO अलग बन जाएगा ये। तो दिस इज कॉल्ड स्टेफन रिडक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। अब जो NH3 बना, NH3 ये HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये NH3 क्या करता है, इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो H के चार हो गए, Cl तो बन जाता है NH4Cl। ये बाय प्रोडक्ट है, उतना ज़्यादा काउंट नहीं होता है। अब आते हैं देखो इसके मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म
मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एसएनसीएल टू। सबसे पहला काम क्या करेगा, एसएनसीएल टू इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। कैसे, देखो एसएनसीएल फोर एससीएल के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, तो ये प्लस टू से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस फोर में, एसएनसीएल फोर प्लस टू एच प्लस। यहाँ से देखो दो सीएल इसके साथ अटैच हो गए, दो सीएल थे, दो थे दो और अटैच हो गए, सी एल फोर हो गया, और यहाँ पे एच प्लस अलग हो गया, दो एच है तो टू एच प्लस अलग हो गया। इसका मतलब इन शॉर्ट हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि पहले एस एन टू प्लस था, फिर एस एन फोर प्लस हुआ, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो मेन काम क्या है यहाँ पे, पहले इसका कि टू लूज़ या रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो पहले स्टेप में इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, निकाला। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेप सेकेंड में जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अटैक करता है वो नाइट्राइल ग्रुप पे करेगा। अब देखो नाइट्राइल पे क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन होता है नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन होता है प्लस चार्ज, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास। अब ये इस कार्बन के पास जाएगा तो इसके पास ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन को दे देगा, तो नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज, और ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आए तो कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब दो जो एच प्लस हैं, ये दो एच प्लस अटैच हो जाते हैं, एक एच प्लस इसके साथ चला जाएगा तो एन एच बन जाएगा, दूसरा एच प्लस इसके साथ जाएगा तो ये सी एच बन जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस चार्ज है, हाईली अनस्टेबल होगा, तो एच प्लस तो यहाँ घूम ही रहा है, तो ये तुरंत क्या करता है, अटैक करेगा एच प्लस, एक यहाँ चला जाएगा, एक एच प्लस यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया आपका, डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड इमाइन, आई एम आई एन। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एसिड से, एसिड की प्रेजेंस में हम वाटर को ऐड करेंगे। अब देखो नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन में प्लस होगा, तो माइनस की तरफ कौन आएगा, प्लस वाला, तो H प्लस जाएगा N के पास, और C के पास प्लस चार्ज है तो उसमें जाएगा OH माइनस, तो OH माइनस C के पास अटैच हो जाएगा और H जाएगा NH2 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनली रीअरेंजमेंट होता है, ये NH2 ग्रुप यहाँ से निकल रहा होता है तो NH2 में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन में, और यहाँ से कार्बन डेफिशिएंट हो रहा होता है तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या हुआ, इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यहाँ से H प्लस निकला बाहर, यहाँ से H प्लस बाहर निकला और यहाँ से क्या निकला, NH2 माइनस बाहर, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, NH3 बना लिया। ये NH2 माइनस क्यों निकला, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही अपने साथ ही ले जाएगा, इसीलिए नेगेटिव आया। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो गुस्सा किस पे निकालेंगे, जो वीक होगा, तो हाइड्रोजन वीक था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और तो ये बन गया सी एस थ्री सी एच ओ और एन एस थ्री। फिर एन एस थ्री किसके साथ रिएक्शन करेगा, एस सी एल के साथ, एन एस थ्री किसके साथ रिएक्शन करेगा, एस सी एल के साथ, और क्या बना देगा, एन एच फोर सी एल। तो इस तरीके से इसकी ये मैकेनिज्म है। देखो एक बार फिर से इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या हुआ था, मैकेनिज्म में एस एन सी एल टू, ये टू एस सी एल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, एस एन सी एल फोर और टू एच प्लस। ठीक है, तो ये प्लस टू ऑक्सीडेशन है, ये प्लस फोर हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले टू प्लस था और फोर प्लस, यानी पहले इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले थे, अब यहाँ पे कितने निकल गए, चार, तो इसका मतलब इसने दो और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तभी तो फोर हो गया। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप रखो आप, रिएक्शन केवल इसी के साथ करेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज होगा, अब हमें पता है कि कार्बन में प्लस होता है और इसमें नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। अब इसके पास ज़्यादा हुए तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन को दे दिए, तो नाइट्रोजन को दे तो नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इसके पास आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो के दो यहाँ पे है, तो दो का मतलब एक माइनस चार्ज और ये आर, अब दोनों के दोनों क्या हो गए,
माइनस हो गए, तो यहाँ पे H प्लस और ये H प्लस, क्योंकि यहाँ से दो H प्लस निकले थे बाहर ये, तो ये दो H प्लस यहाँ अटैक करेंगे, एक H प्लस यहाँ जाएगा, एक H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R सी एच डबल बॉन्ड एन एच। ठीक है, अब हम इसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये फिर प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, वाटर का मतलब H प्लस ओ एच माइनस, तो क्या होगा, प्लस पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, नेगेटिव कहाँ जाएगा, प्लस के पार्ट, तो क्या होगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये तो H इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ेगा ओ एच। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड रीअरेंजमेंट करेगा, ये वाला पूरा निकलना चाहेगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये पूरा, सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया अब डबल बॉन्ड से, क्योंकि एडिंग हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा, अब निकलेगा तो ये किस में निकलेगा, NH2- में। अब ये बेस का काम करेगा, माइनस वाला इस हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास, तो कैसे हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ से निकल गया H प्लस, H प्लस और NH2 प्लस मिलके क्या बना दिया इन्होंने, NH3, और ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था ये कौन ले गया, कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये H, तो बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी मैंने कि करना क्या है, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने लिखा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और वो क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, एस एन सी एल टू प्लस एस सी एल, और यहाँ पे लिख दिया एस थ्री ओ प्लस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तोड़ो, इसमें एच और ओ लगा दो बस, और यहाँ पे लगा दो एच थ्री बस, एन एस थ्री बनता है, एन एस थ्री, और यहाँ पे बनेगा सी एच ओ, सी एच ओ, सी एच ओ बस, और बाकी ग्रुप से हमें कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ पे बन जाएगा एन एस थ्री बस, यहाँ से आगे पीछे किधर भी हो उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ पे सी एन होगा बस वहीं पे ये अटैक करेगा, तो ये याद रखना आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम डिबाल, डी आई बी ए एल एच, इसका दूसरा नाम भी है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको ये लिखते, देखो ये सी एस थ्री सी एच सी एस टू सी एस थ्री का होल ट्वाइस, यानी डाई आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, ये डाई का मतलब दो आइसो ब्यूटाइल है, ये चार सी हैं और सेकेंड पोजिशन में सी एस थ्री उसमें लगा हुआ सेकेंड पोजिशन में, तो आइसो, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको डिबाल भी कहते हैं, डी आई, ये डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो शॉर्ट में से डिबाल कहते हैं, और ए एल एच आई बी यू का होल ट्वाइस भी कहते हैं, आई मतलब आइसो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस ए एल एच, तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका रोल क्या है, देखो इसका रोल होता है कि जो नाइट्राइल्स होगा या एसिड हैलाइड होगा या एस्टर होगा, चाहे इनमें से कोई भी हो, ये उसको रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड बना देगा, तो इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी मैकेनिज्म नहीं है आपके पास, तो फ्रॉम एसिड हैलाइड है, देखो आर सी ओ सी एल, आप डायरेक्ट डिबाइल को यूज़ करो, और ये एच हटेगा और यहाँ पर सी एल हटेगा, एच आ जाएगा आर सी एच ओ, आपने नाइट्राइल यूज़ किया, देखो फ्रॉम नाइट्राइल यानी सी एन आर सी एन, डिबाल यूज़ किया और एस थ्री ओ प्लस हाइड्रोलाइसिस किया, तो फिर ये क्या होता, पूरा ग्रुप हटेगा, फिर वही आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी डायरेक्ट भी आ सकता है। तीसरा देखो एस्टर है, एस्टर का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, डिबाल और एच यूज़ किया आपने, फिर क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, इसमें आ जाएगा आर सी एच ओ, आर सी एच ओ, और यहाँ पे आर डैस ओ एच, आर डैस ओ एच, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आर डैस ओ एच एल्कोहल और आर सी एच ओ यानी एल्डिहाइड। तो एस्टर से एल्डिहाइड और एल्कोहल बनता है, नाइट्राइल से तो ये एन एच थ्री आपको पता ही है, और यहाँ पे बन जाता है एल्डिहाइड, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, और जो एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड में सी एल हट के एच आ जाता है, बाकी एस सी एल बनता है क्योंकि ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब इसे अप्लाई करके देखो, कोई भी कंपाउंड लो, कौन सी चीज़ कहाँ के लिए रिएक्टिव होती है, बस ये याद रखना है थोड़ा सा, जैसे सी एस थ्री सी ओ सी एल, यहाँ पर लिख दिया डिबाल एच, तो इसका मतलब यहाँ पर सी एल हटेगा, यहाँ एच आ जाएगा, एस सी एल बाहर हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा डिबाल एच और यहाँ पर लिख दिया सी एन, तो यहाँ पर एच और ओ लग जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे, सी एस थ्री सी एच ओ, बाकी एन एस थ्री वगैरह साइड प्रोडक्ट।
जैसे मैंने एस्टर लिखा है, ये एस्टर ये कैसे टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा डिबाल एच की प्रेजेंस में, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H5OH और ये CH3CHO, तो ये बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया आपका एल्कोहल। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है किसकी, एल्डिहाइड की। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा या बेंजल्डिहाइड बनाते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, इसके हमारे पास फोर मेथड हैं। इसमें से इटार्ड मेथड है, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जो होती है इंपॉर्टेंट होती हैं। इटार्ड रिएक्शन क्या कहता है, देखो अब ये इतना लिखा हुआ है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसके थ्रू, देखो ठीक है। ये होता है आपका कि टॉलविन, हाइड्रोकार्बन में आपको पता है बेंजीन में सी एस थ्री लग गया तो टॉलविन है, टॉलविन को रिएक्ट करेंगे हम क्रोमाइल क्लोराइड से, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सी एस टू, ये सॉल्वेंट का काम करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सी एस टू फॉलोड बाई, तो इन दोनों को मिला के हमें मिलता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा फॉलोड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस और H2O, ये कई बार आया हुआ है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस और ये H प्लस H2O, तो फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइज देन बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज बिल्कुल बुक में लिखी है या आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बस जो इसमें आप दिख रहा है वही लिख दो आप लैंग्वेज में कि टॉलविन इज रिएक्टेड विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 then chromium complex is formed on acidic hydrolysis we get benzaldehyde, ठीक है, is called Itard reaction। तो कैसे होता है एक बार आपको दिखाता हूँ इसे। जैसे suppose करो ये हमने क्या किया, benzene ring ले ली, ठीक है, ये benzene ring है और benzene ring के ऊपर यहाँ C है, यहाँ H, ये H, ये H, तीन H लगे हुए, और हमने इसको किससे रिएक्शन करनी है, C(R)O2Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक ग्रुप ये यहाँ से यहाँ अटैच होगा, एक ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे H, और फिर यहाँ पे दो ग्रुप लग जाते हैं OCR, फिर यहाँ पे लिखेंगे OH और यहाँ Cl2, इसमें भी वही होता है सेम OCr OH और यहाँ पे Cl2, ठीक है। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पूरा ग्रुप निकलता है, ये ऑक्सीजन बच जाता है, बस यहाँ से सब कुछ निकल जाता है बाहर। हाइड्रोलाइसिस करेंगे अगर हम H3O+ या फिर H+ और H2O, देखो कई बार आ रहा है ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा, यहाँ से बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाती है CHO ग्रुप, ठीक है, बेंजीन बन जाएगा, बाकी आपको पता है इसमें क्या बनता है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो यहाँ पे। और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम है यहाँ पे, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म से आएगा आपको ज़्यादा समझ में, मैकेनिज्म इसकी समझते हैं कैसे बनाइए। देखो मैकेनिज्म में इसका क्या होता है कि होमोलिटिक फ्यूजन होता है, जैसे ये देखो ये आपने बेंजीन ली, इसमें सी है, यहाँ एच है, ये एच है, ये एच है, ठीक है, पहले आपको स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या हुआ, यहाँ से होमोलिटिक फिजन होगा इन दोनों में, यहाँ से क्या निकलेगा, एक डॉट बच गया, यहाँ भी होमोलिटिक फिजन हो गया, दोनों जगह पे होमोलिटिक फिजन दिखा दो, ठीक है। अब यहाँ से एच डॉट अलग हो गया, यहाँ से एच डॉट अलग हो गया, बाकी एज इट इज़ रहने दो इसे, बाकी में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एज इट इज रहने दिया। दूसरा हमने क्या लिया था यहाँ पे, क्रोमाइल क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है देखो, ये दो फ्री रेडिकल बन गए, क्रोमाइल क्लोराइड होता है आपके पास CR, ये Cl Cl2 और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसमें भी फ्री रेडिकल होता है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन CR के पास, इसमें भी फ्री रेडिकल होता है जहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, देखो ये कैसे बन जाएगा, CR, इसमें ऑक्सीजन में एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में एक फ्री रेडिकल, और इस CR में भी एक फ्री रेडिकल इसका बच गया, एक फ्री रेडिकल इसका बच गया,
ठीक, और बाकी यहाँ पे Cl और ये Cl, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल के इंतज़ार में था ही वो, क्योंकि फ्री रेडिकल के ही साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे एक और एक दो फ्री रेडिकल थे, तो यहाँ पे एक CR ग्रुप, एक CR देखो, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा और ये ऑक्सीजन डॉट क्या रह गया, फ्री रह गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, Cl2 तो है यहाँ पे, Cl का तो कुछ है नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल भी लेंगे हम यहाँ पे डॉट वाला, उसके बाद भी क्या होगा, इसमें CR होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डॉट होगा और यहाँ पे Cl2 होगा। अब क्या होगा देखो, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे इस तरीके से। ये दोनों बॉन्डिंग बना लिया, ये दोनों बॉन्डिंग बना लिया इस तरीके से। देखो जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये सी ने क्या किया, इस ओ के साथ बॉन्डिंग बना ली, इसने यहाँ बॉन्डिंग बना ली, ठीक। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, सी है जो फ्री रेडिकल, एक इसके पास है, एक इसके पास है, बॉन्डिंग बना ली, ये बॉन्डिंग बना ली। अब देखो इसके पास भी फ्री रेडिकल है और दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल वाले घूम रहे हैं ये, तो ये हाइड्रोजन इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल के साथ, ये भी फ्री रेडिकल के साथ। हर हमेशा ध्यान रखना, फ्री रेडिकल के ही साथ रिएक्शन करता है बस। तो ये दोनों मिलके OH बन गया, देखो इन दोनों ने मिलके फिर OH बन गया, तो एक OH ये बन गया, एक OH ये बन गया। तो यहाँ पे हमने जो दिखाया था देखो, ये OCrOHCl2, तो ये OH यहाँ से बना, ये OH ये वाला OH बन गया और Cl2 तो है इसके पास, तो कैसे बन गया, OCrOHCl2, ये भी OCrOHCl2, तो ये बन गया आपके पास कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसका थर्ड स्टेप है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे बाकी कोई चेंज नहीं करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास चेंज करने के लिए, यहाँ सिर्फ यहाँ पे देखो OCrOHCl2 ये बना था और यहाँ पे भी क्या बना था, OCrOH और यहाँ पे Cl2। अब होता क्या है देखो, एसिडिक का मतलब H प्लस और OH माइनस। अब ये दोनों चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं कहाँ हम रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि जो ऑक्सीजन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच के भागना चाहेगा, निकलना चाहेगा, तो ये यहाँ से निकल के भाग जाता है ये ग्रुप। तो यहाँ पे देखो कि इसमें ऑक्सीजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो निकल रहा है पूरा, तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होता है, एच प्लस कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, CR, उसके बाद एक OH यहाँ पे था, एक OR OH, तो दो OH हो गए, तो CrOH का होल ट्वाइस और Cl2 ये बन गया। अब दूसरी जगह देखो यहाँ पे, अब जैसे ये निकला यहाँ से, इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। अब तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, ये प्योर डेफिशिएंट हो गया, पूरा प्लस चार्ज आ गया। तो क्या होगा, अब यहाँ से ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ ही कनेक्ट होता है, ये जाने नहीं देगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, CR से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इसे बाहर कर देगा। अब CR में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये प्लस होगा, तो इसके साथ कौन अटैच होगा फिर, OH माइनस का, तो इस CR के साथ OH माइनस अटैच हो जाएगा यहाँ से। ये देखो इसको, इसके जो प्लस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो CR में दो OH लग गए, दो Cl2 लग गए, तो ये देखो CR में दो OH, दो Cl2, यहाँ भी यही होगा, CR में दो OH और दो Cl2, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, वो C और O के बीच में चला गया, तो ये बन गया इस तरीके से CHO यानी एल्डिहाइड। तो ये जो ग्रुप बना आपका, ये बन गया आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच यानी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। और ये ग्रुप क्या निकला बाकी आपके पास, CrOH का होल ट्वाइस Cl2, तो दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। तो ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे ये दिया इटार्ड रिएक्शन में, हमने तो CH3 का बताया यहाँ पे लिखा है, आप इसने CH3 CH2 Cl3,
और बाकी देखो इंटरमीडिएट मैंने CrO2Cl2 दे दिया, उसने CH2 दे दिया और यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोलाइसिस H3O+। डायरेक्ट एक ही स्टेप में दे देता हूँ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, जो टर्मिनल वाला होगा लास्ट वाला वहाँ पे CHO लगाना है, बस इस पर मत लगाना, जो सबसे लास्ट वाला होगा। अगर यहाँ पे तीन कार्बन दे दे और लास्ट में CH3 लिखेगा तो लास्ट वाले में CHO ग्रुप लगाना है बस, क्योंकि वो टर्मिनेट पे ही होगा। देखो ये रिएक्शन जो होती है वो टर्मिनेशन पे होगी, तो CH2 तो एज इट इज़ रहेगा ये वाला। जो टर्मिनेट वाला है, जो सबसे लास्ट वाला होगा, वहाँ पे CH3 से किस में चेंज हो जाएगा, CHO में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये है इटार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो इसमें है बाई यूजिंग CrO3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड मैंने कई बार बताया आपको कि जब हम एसिड से क्या करते हैं, वाटर को निकालते हैं, तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ यूज़ करेंगे हम, और मेन रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो RCO का होल ट्वाइस O यानी CH3COOCOCH3, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट आप अपने आप बना सकते हो कैसे, देखो यहाँ से देख के टोलविन लिया हमने, या कोई भी क्या ले लो एरोमेटिक डेरिवेटिव्स ले लो हाइड्रोकार्बन का, जिसको हम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ या विद एसिटिक एनहाइड्राइड, कितने टेम्परेचर पे, एट 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, एंड जो ये कॉम्प्लेक्स बना फॉलोड बाई एसिटिक हाइड्रोलाइसिस, इसे कहेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, देन बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। और इसमें जो ये इंटरमीडिएट बनता है इसे कहते हैं डाई एसिटेट। डाई का मतलब दो, एसिटेट ग्रुप ये वाला होता है, तो डाई एसिटेट डेरिवेटिव्स कहते हैं, डाई एसिटेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, और फिर हमने हाइड्रोलाइसिस किया और बेंजल्डिहाइड बन गया या एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। तो इसको जो आप दिख रहा है उसी को स्टेटमेंट में लिख दो, यानी स्टेटमेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिएक्शन पता है तो जो रिएक्शन में हो रहा है उसी को लिखोगे आप, तो वही उसकी स्टेटमेंट बन जाती है, क्योंकि केमिकल केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें होता है क्या, देखो इसमें ये होगा कि जैसे आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे आपने बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग में यहाँ पे सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। H यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा H यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा H यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, सेम प्रोसेस है CrO3, यानी कि यह क्या हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एसीटेट। एसीटेट आप कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे मैंने लिखा CH3CO का होल ट्वाइस O, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हमने इसको हीटिंग करी है 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो H ग्रुप है सेम प्रोसेस होती है, यहाँ पे लगेगा OCOCH3, दोनों जगह पे एसीटेट ग्रुप लग जाते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे आपने रिंग बनाया, रिंग बनाने के बाद यहाँ पे C है, अब देखो यहाँ पे होगा OCOCH3 और यहाँ पे भी यही आएगा OCOCH3, यानी इसे कहते हैं डाई एसीटेट, और ये S तो है इसमें लगा हुआ। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप यहाँ रहेगा और बाकी यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, बाकी ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा बाहर, बाकी दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, सेम प्रोसेस है जैसे अभी की थी आपने, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनेगा और बेंजल्डिहाइड बनेगा और बाकी बनता है एसिटिक एसिड CHO, और ये क्या बन जाएगा CH3COOH। यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पे H प्लस आएगा, तो CH3COH, और ये प्लस चार्ज है तो इसमें OH आएगा, तो क्या बनेगा CH3COOH, यानी एसिड बन गया। तो ये बन जाएगा CH3COOH यानी एसिड। अब देखो इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप इसकी मैकेनिज्म है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप इससे देख सकते हो। जैसे मैंने लिखा एसीटेट CH3C(OO), यहाँ पे C(OCH3) है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा। फ्री रेडिकल के लिए आप चाहे यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से तोड़ो, आपने यहीं से तोड़ दिया, चलो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा CH3C(OO) फ्री रेडिकल,
और इसमें क्या बनेगा दूसरा, ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री और यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ठीक है, दो फ्री रेडिकल बन गया आपके पास। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से फिनाइल ओ लिया, ये सी और यहाँ पे एच और ये एच और ये एच, ठीक है, ये भी टूटेगा दोनों के दोनों फ्री रेडिकल के थ्रू, जैसे अभी हमने तोड़ा था सेम, ये एच ऐसे ये टूटेगा, एक इसके पास एक इसके पास, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें हो जाएगा यहाँ से ये सी एच, इसके पास दो फ्री रेडिकल बच गए और दो एच फ्री रेडिकल आ गए। अब देखो क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइंड होना चाहेगा, इसके साथ, देखो ये ओ सी ओ सी एस थ्री के साथ, और ये वाला फ्री रेडिकल भी इसी के साथ होना चाहिएगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल इसमें कंबाइंड होते हैं। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा मैंने सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी एस थ्री, तो हम कहेंगे कि ये जो था ये किसके साथ आएगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम यहाँ पे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, एक ये वाला किसके साथ कंबाइंड होना चाहेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो एक फ्री रेडिकल इसके साथ जाएगा, एक फ्री रेडिकल इसके साथ आएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा दोनों के दोनों, तो क्या बनेंगे देखो, ये बनेगा आपके पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो एक ने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ ओ सी ओ सी एस थ्री, तो ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, दूसरे ने भी वही किया देखो ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी एस थ्री बन गया, ओ सी ओ सी एस थ्री ओ सी ओ सी एस थ्री दोनों में बन गया। और यहाँ पे बचा क्या देखो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सी एस थ्री सी ओ, तो ये बच गया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो घूम ही रहे हैं, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये बन जाएगा टू सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो इसका बचा हुआ पार्ट था वो बन गया आपका एल्डिहाइड, वो सी एस थ्री सी एच ओ बन गया, ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया। अब ये वाला पार्ट इसमें अटैच हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ अटैच हो गया, ओ सी ओ सी एस थ्री ओ सी ओ सी एस थ्री। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो यहाँ से फिर अब इसका फिर दोबारा हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब एक ही बार होगा, पहले की तरह सेम, इसीलिए दोबारा कह रहा हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री और यहाँ पे भी सी सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब सेम प्रोसेस होगी, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, एच प्लस और ओ एच माइनस। अब सवाल क्या है कि एच प्लस किसके पास जाएगा, ओ एच माइनस किसके पास जाएगा, तो सबसे पहले क्या करता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल, ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव के पास कौन दौड़ेगा, प्लस वाला बहुत तेज़ी से इसके पास भाग के प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एच एसिड बन गया, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर हो गया। अब ये बाहर हो गया तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, फिर वही अब प्लस हो गया तो ये इस ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, तो अब क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ खींचता है और इसको बाहर करेगा, तो अब इसमें क्या, कार्बन में प्लस आ गया, तो कार्बन में प्लस आ गया तो अब इसके पास कौन सा ग्रुप आएगा, ओ एच माइनस, इसके साथ कौन अटैच होगा, ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस होगा तो सी एस थ्री सी ओ ओ एच, तो क्या बन गया देखो, सी एस थ्री सी ओ ओ एच, यहाँ से भी वही बना सी एस थ्री सी ओ एच और यहाँ से भी वही बना सी एस थ्री सी ओ ओ एच, तो इसके दो मॉलिक्यूल बन जाते प्लस। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ खींच लिया इसने, तभी तो इसमें प्लस आया, तो ये बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होता है इसने खींचा और ये प्लस होने की वजह से इसने टूटने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड, तो ये मेन प्रोडक्ट है आपका, तो इसमें सी एच ओ इज मेन प्रोडक्ट, तो बेंजल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखते हैं, दोनों के प्रोसीजर लगभग सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है गटरमैन कोच रिएक्शन, बस दो रिएक्शन और है इसमें, गटरमैन कोच रिएक्शन, आप चाहो तो यहाँ से देखो इससे बना सकते हो आप, बेंजीन होगा या कोई भी सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है ये H को निकालेगा बस, ठीक है, यहाँ पे एक H लगा दो, तो जो भी बेंजीन होगा या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा वो क्या करता है, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में रिएक्शन करेगा किसके साथ,
हाई प्रेशर में रिएक्शन करेगा CO के साथ और HCl के साथ, COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट होता है CHO ग्रुप लग जाता है, डायरेक्ट CHO ग्रुप लग जाएगा बेंजीन में, यानी बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, बेंजीन लो या सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन, हमें कोई मतलब नहीं है, बेंजीन ले लो, यहाँ पे H ले लिया, इसको हमने रिएक्शन करना है CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl से, C और HCl से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये किसका काम करता है, लेविस एसिड का काम करेगा ये, और या फिर हम ले सकते हैं इसमें CuCl, ठीक है। अगर हम इसके साथ इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये H को हटाएगा और यहाँ पे लग जाता है क्या, CHO ग्रुप, हाइड्रोजन हटेगा और CHO ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन, ध्यान रखना ये नेम रिएक्शन है, एक गटरमैन रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, तो बहुत सारी गटरमैन रिएक्शन है, तो गटरमैन कोच रिएक्शन है, ध्यान रखना पूरा नाम ढंग से पढ़ लेना, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग होगा या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन होगा और उसको हम रिएक्शन करेंगे COHCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो लेविस एसिड है और CuCl, तो क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड गटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा मैकेनिज्म, ये बना कैसे। तो मैकेनिज्म के लिए क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड O होता है लेकिन ये अपना ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आता है और इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये पहला स्टेप है, इसमें क्या करते हैं HCl को रिएक्शन कराएंगे, तो HCl जनरली टूट जाता है H प्लस में और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस, तो सबसे पहले ये H प्लस अटैक करता है इसमें, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, ये H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे चले जाएगा, तो कार्बन में इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा O प्लस। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये प्लस चार्ज क्या है, हाईली अनस्टेबल माना जाता है, अनस्टेबल माना जाएगा तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ को खींच लेगा ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल होता है ऑक्सीजन, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन से ज़्यादा पावरफुल होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या होगा, अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ये तो फुलफिल हो गया, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पे Cl- भी घूम रहा है, तो Cl- फिर यहाँ पे अटैक करेगा इसके साथ, और Cl- अटैक कहाँ करेगा, जहाँ प्लस चार्ज होगा, तो ये बन जाता है HCCl डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। अभी मैंने कहा था आपको फॉर्माइल क्लोराइड होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, ये अलग से बनता नहीं है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो ये इन सीटू है, यानी रिएक्शन के बीच में ही बन रहा है केवल, इसीलिए हमने क्या किया CO और HCl को मिलाया, नहीं तो हम डायरेक्ट ही किसको मिला देते, डायरेक्ट हम फॉर्माइल क्लोराइड को ही मिला देते, लेकिन हमने इसे क्यों नहीं मिलाया, कई बार बुक में ऐसा लिखा होगा, तो ध्यान रखना इस एक ही बात है, मेन हमने यही बनाना है, लेकिन ये डायरेक्ट कभी भी अलग से नहीं मिलता, तो हमें रिएक्शन के बीच में ही बनाना पड़ता है, इसीलिए इसको एक वर्ड लिखते हैं इन सीटू, यानी जो रिएक्शन के बीच में ही बनता है उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं इन सीटू, यानी अनस्टेबल होता है, अगर हम वैसे रखेंगे तो जल्दी टूट जाएगा, तो हम इससे रिएक्शन के बीच में बनाएंगे, तो ये बन गया आपका फॉर्माइल क्लोराइड। अब फॉर्माइल क्लोराइड बनने के बाद क्या होता है, अब सेकंड स्टेप आता है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल बनाना, इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3, यानी लेविस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना। अब ये कैसे करेगा, देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OCl और इसके साथ क्या मिलेगा AlCl3। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अब इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, जिसके पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl को यहाँ से बाहर कर देता है, तो Cl कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा बाहर, तो जब Cl इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा तो इस कार्बन में प्योर प्लस चार्ज आएगा डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है, और ये बन जाएगा AlCl4, इसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव कहाँ से मिला, Cl से, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो Cl-
और ये बनेगा सी प्लस डबल बॉन्ड ओ एच। तो सी एल माइनस इसके साथ जाएगा तो चार सी एल हो गया और माइनस चार्ज रहेगा, तो ये बन गया ए एल सी एल फोर माइनस और यहाँ पे बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसमें प्लस चार्ज होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन पे। तो बेंजीन पे अटैक करेगा, देखो ये है आपका बेंजीन, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो ये C प्लस है डबल बॉन्ड O और ये H, तो इसका प्लस पार्ट क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो क्या होगा, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं कहीं पे भी, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इसे प्रोवाइड कराता है, एक्चुअल में ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से सी में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन दिया है और ये फर्स्ट पे अटैच हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ है देखो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हुआ, किसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, देखो ये जो बॉन्ड था ये फर्स्ट और सेकंड दोनों शेयर कर रहे थे, लेकिन अब ये प्योरली किधर चला गया, फर्स्ट के पास चला गया देखो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हुआ, सेकंड वाला, तो इसमें प्लस हो जाएगा, यानी एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो सेकंड वाले ने लूज किया हुआ, बाकी फर्स्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ने पहले सेकंड के साथ बॉन्डिंग बनाई थी, अब इसके सामने कौन लग गया, सी एच ओ, ये वाला, ये प्लस कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, फर्स्ट के पास। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे होता है डी प्रोटोनेशन, यानी कि ये एच प्लस को यहाँ से निकाल देता है, क्योंकि वीक कौन सा है, एच प्लस वाला वीक है, इसको निकालना आसान है, तो ये निकलेगा और ये बॉन्ड फिर यहाँ से अपनी जगह पे आ जाएगा वापस। तो ये फिर से दोबारा क्या होता है, यहाँ से ये एच प्लस निकलता है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी सी एच ओ ग्रुप लग गया, ठीक है। और जो एच प्लस है उसको कौन निकालेगा बाहर, बेस यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ए एल सी एल फोर माइनस, ये इसको हेल्प करेगा एलिमिनेशन करने के लिए। कैसे, देखो ए एल सी एल फोर माइनस होगा प्लस एच प्लस, एच प्लस निकलेगा वहाँ से, तो एच प्लस और सी एल मिल के क्या बना देंगे, एस सी एल, और ए एल सी एल थ्री क्या है, कैटलिस्ट का काम करेगा एज ए कैटलिस्ट, इसने रिएक्शन को स्टार्ट कराई और लास्ट में क्या रहा, अनचेंज एट लास्ट, तो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो ये काम है ए एल सी एल थ्री का, जो हमने कई बार पहले भी बताया आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और ये डायरेक्ट क्या लग गया, सी एच ओ ग्रुप लग गया, तो ये बेंजल्डिहाइड फॉर्म्ड हो गया, दिस इज कॉल्ड गेटरमैन कोच रिएक्शन। और इसमें जो इसकी लास्ट रिएक्शन है वो है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलविन, टॉलविन में हम साइड चेन क्लोरीनेशन करेंगे देखो। तो हर बार हमने देखो टॉलविन ही लिया है, इसमें सी एल टू ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर हमने लाइट यूज़ किया तो ये रिंग के अंदर कभी नहीं जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे एफ ई लिखा होता तो ये रिंग के अंदर चला जाता, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत बार ये रिएक्शन आएगी। तो जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेविस एसिड को यूज़ करेंगे, किसी भी एफ ई, एफ ई सी एल थ्री, एफ ई बी आर थ्री, कोई भी लेविस एसिड को यूज़ करेंगे तो ये रिंग के अंदर चला जाता है, और अगर यहाँ पे केवल लाइट होगा तो रिंग के बाहर रहेगा। तो ये रिंग है इसके बाहर, इसने पहले एक एच को हटाएगा, एक सी एल आ गया, फिर दूसरे एच को हटाएगा, दूसरा सी एल आ गया, यानी दो एस सी एल बाहर हो गए, दो एस सी एल बाहर हो गए हमारे, ठीक है, इसको भी दो लिख देते हैं। अब दो एस सी एल बाहर हो गया और दो सी एल यहाँ पे अटैच हो गए, तो ये हो गया आपका बेंजल क्लोराइड। बेंजल कहते हैं जब सी एच लगा होता है, दैट इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड। अब इसका फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, जहाँ पे सी एल है सी एल है, यहाँ पे ओ एच ओ एच लग जाएगा, ओ एच ओ एच लगेगा तो क्या होगा, एक सी में दो ओ एच क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ओ एच ओ एच से एच टू ओ बाहर होगा और ये बन जाएगा सी एच ओ ग्रुप, यानी एल्डिहाइड। इसमें ध्यान रखना है कि जैसे बेंजीन रिंग है आपके पास और बेंजीन में सी एल टू ऐड करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कोई रिएक्शन नहीं होने की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि ये कभी भी रिएक्शन के अंदर नहीं जा सकता। अगर मैंने इसको लिखा है और यहाँ पे सी एच थ्री लिख दिया तो ये बाहर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एक बार रिएक्शन होगी तो एक एच निकलेगा, दूसरी बार रिएक्शन होगी दूसरा एच निकलेगा। आपको क्लोरीनेशन में पहले बताया हुआ है, देखो सी एल सी एल, दो सी एल लग गए तो दो सी एल एच के साथ जाएंगे तो टू एस सी एल बन जाएगा, तो मुझे चार सी एल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे
एच प्लस और एच टू ओ के साथ, तो इसमें भी क्या होता है, जहाँ पे सी एल है वहाँ पे ओ एच आ जाएगा इन जनरल, तो क्या होगा, रिंग हो गया सी ओ एच ओ एच और यहाँ पे H। अब एक C में OH हाली अनस्टेबल होता है, वाटर यहाँ से निकल जाएगा बाहर और क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये हमने एल्डिहाइड के दोनों पढ़ लिए हैं, एरोमेटिक और एलिफैटिक वाले, तो इसलिए ध्यान रखना इसका, ये एल्डिहाइड आपका प्रिपरेशन मेथड ख़त्म होता है। अब आएगा कीटोन का प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।